लेकर गिरफ्तार किया था, आज उसको पेश करके क्या रहा उसको? उसमें आज हेड कॉन्स्टेबल भागचंद और मनीष शर्मा और कुशाल सिंह राव तीनों को माननीय ADJ नंबर 1 कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15 दिन का JC रिमांड स्वीकृत किया है और उनको जेल भिजवाया जा चुका है। हाँ जी, शिकायत शिकायत तो एक मुकदमा था गंज थाने में, उसका जो आरोपी था विनोद कुमार उसने करी थी। सर, 3 दिन की जांच में क्या रहा था रिमांड के अंदर पूछताछ की गई? रिमांड में उनकी जो बातें हुई थी परिवादी से, उनके संबंध में कुछ विश्लेषण करना था, उसके बारे में बातचीत हुई उनकी और उनका किस किस से लिंक था या और कोई मैटर, इस संबंध में अनुसंधान उनसे किया गया। बाकी अब आगे अनुसंधान और गहनता से किया जाएगा। दरगाह CEO पार्थ शर्मा का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट सामने आया है? अभी उनसे भी तफ्तीश, उनसे भी पूछताछ करी थी हमने, लेकिन अभी उनका अभी भी कुछ साक्ष्य जुटाने बाकी हैं, अभी उसमें कार्रवाई आगे और जो भी अनुसंधान से आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। क्या भागचंद ने पूछताछ में बताया कि पैसा वो डिप्टी साहब के कहने पर ले रहा था? नहीं, भागचंद ने तो कहा था कि कुछ खुद के लिए ले, उनके लिए भी ले रहा था, भागचंद ने तो कहा था, लेकिन उसका जो भी एविडेंस बात है वो भी देखते हैं उसमें। मनीष शर्मा का डिप्टी पार्थ शर्मा से कुछ लिंक है? नहीं, अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसे हम कह सकेंगे कि उनका डायरेक्ट कोई ऐसा लिंक आया हो। अभी अनुसंधान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक है, थैंक यू।